गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज है डे फोर्थ मेरे हेयर केयर चैलेंज का। तो आज के वीडियो में मैं एक हेयर मास्क अप्लाई करने वाली हूँ जिसको मैं खुद नहीं बनाने वाली हूँ। मार्केट का एक प्रोडक्ट है जिसको मैं अप्लाई करूँगी, तो वो प्रोडक्ट है हिमालया का प्रोटीन हेयर क्रीम एक्स्ट्रा नरिशमेंट। तो इसका मैंने अभी तक रिव्यू भी नहीं किया है, तो आज एक छोटा सा रिव्यू करूँगी, डेमो करूँगी, आपको बताऊँगी एक कैसा काम करता है। तो ये है हिमालया का प्रोटीन हेयर क्रीम जो कि बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हेयर डैमेज से बचाता है, बालों को शाइनी बनाता है, बालों को डीप कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। ये मिलके बना हुआ है चिकपी और आंवला से, और इसमें भृंगराज भी है जो कि बालों को हेल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। पैकेजिंग की बात करूँ तो ये प्लास्टिक का पैक है, ये छोटा पैक है, इसका बड़ा पैक भी अवेलेबल है, और ये छोटा पैक 80 रुपीज़ का आता है। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी, और ये कैप भी आपको मिल जाएगा जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता है। टेक्सचर की बात करें तो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है जो कि बालों में बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। देखिए काफ़ी थिक है। स्मेल की बात करूँ तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, आप हेयर वॉश करेंगे इसके बाद भी थोड़ा सा इसकी स्मेल आएगी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। और इसकी खासियत यह है कि आप इसको हेयर वॉश करने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर वॉश करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हेयर वॉश करने से पहले आप एज अ मास्क यूज़ कर सकते हैं और बाद में लीव इन कंडीशनर के जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी काफ़ी अच्छी दी है, तो अगर आप इसको एज अ लीव इन कंडीशनर यूज़ करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी लगती है, तो आप इसको आराम से 15-20 बार यूज़ कर सकते हैं, और एज अ मास्क यूज़ करते हैं तो 10 बार तो ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ तब भी इतना सारा बचा हुआ है। तो ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट नहीं है, इसमें साफ साफ मेंशन है कि इसमें पैराबिन्स मिले हुए हैं, तो जिन लोगों को पैराबिन से प्रॉब्लम है वो लोग इसको परचेज बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि इसमें पैराबिन्स हैं। इसकी खास बात एक ये भी है कि आप इसको कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको डायरेक्ट यूज़ करने वाली हूँ, पर अगर आप चाहें तो इसमें कर्ड मिला के, इसमें बनाना मिला के, एग मिला के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। आज तो सिर्फ इसको ही यूज़ करने वाली हूँ, तो इसको यूज़ करके देखते हैं इसको कैसे लगाना है और ये कैसे रिजल्ट्स देता है। इसको लगाने से पहले आप अपने बालों के 2 पार्टीशन कर लीजिए जिससे लगाने में आसानी रहेगी। इसको मैं अपने हेयर लेंथ पे लगा रही हूँ, स्कैल्प पे इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरा स्कैल्प ऑयली है। अगर आपको ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम है तो आप इसको स्कैल्प पे नहीं लगाइए, और ड्राई है तो आप इसको स्कैल्प पे भी मसाज कर सकते हैं। ये मास्क आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो अमेज़ॉन पे आपको 73 रुपीज़ में मिलेगा, और नायका पे ये सिर्फ 60 रुपीज़ का मिल जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। इस मास्क को आधा घंटे तक अपने बालों में लगे रहने देंगे, फिर एक माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेंगे। हेयर वॉश मैंने कर लिया है, हेयर वॉश के बाद मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं किया है। बिना कंडीशनर के भी बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की लग रहे हैं, टेंगल फ्री हो गए हैं, काफ़ी चमक आ गई है। तो अगर आपको एक सस्ता सा और अच्छा सा हेयर मास्क चाहते हैं तो इसको आप ज़रूर परचेज कीजिए, काफ़ी अच्छा काम करेगा। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको 15 डेज़ में एक बार यूज़ ज़रूर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।